أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد روى فزيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه अल्लादान युहादानी व यु नसरा व्यू मजस्सान नाज्रेन मोहतरम अल्लाम आईकुम वरह ला गुलशन ख़ानदान प्रोग्राम में तमाम हज़रा और ख़ुतिन को ख़ुश आमदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में गुलशन ख़ानदान की कलियम की हिफाजत साजी या तरबियत साजी के अनवान से कुछ आरइज पैग़म्बर इस्लाम के फरामीन की रोशनी में और आईम ताहरीन आसलम के फरामीन की रोशनी में बयान करूँगा चनानचे इमाम जाफ़र सदक असल्लाम से रिवायत करते हैं फ़ैल इबन उस्मान कि इमाम असलाम ने फरमाया कोई भी बच्चा कोई भी नौलूद इस दुनिया में नहीं आता मगर वो फ़रत इस्लाम पर हो यानी हर बच्चा और हर मौलूद इस दुनिया में फ़रत इस्लाम पर और फ़ितरत यकता परस्ती पर वो इस दुनिया में आता है लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उनके माँ बाप उनके वालदे उसे या वो यहूदी बनाता बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मसीही बनाते हैं बस इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आप और हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपने आने वाले बच्चे या अपनी औलाद जो इस दुनिया में आते हैं उनकी तरबियत के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करें ताकि वो बच्चा मुआरह के लिए मुफीद साबित हो उसके लिए पैदाइश से पहले मौसुमीन के फ़राम के मुताबिक तरबियत साजी या उनके लिए तरबियत के लिए ज़मीन साजी फराहम करनी चाहिए चनानचे पैगम्बर इस्लाम सलवात फरमाते हैं कि अपने नतफों के लिए मुनासिब रहम तलाश करो क्यों इसलिए कि वो माँ उन बच्चों की तरबियत में उसका बड़ा असर है क्योंकि उसी माँ के गोश्त पोश्त से उसकी तरबियत होती है और उसके गज़ा से उस बच्चे की तरबियत होती है क्योंकि उसका उठना बैठना उसका अखलाक और उसके उसका किरदार रफ्तार गुफ्तार हर एक में उस माँ का बहुत बड़ा किरदार है लिहाजा पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि अपने लुफ़ों के लिए बेहतरीन और पाक दामन रहम की तलाश करो इसलिए कि अगर अच्छे और बेहतरीन और नेक और साल रहम अगर बच्चों के लिए आमादा हो तो उस बच्चे पर बहुत बेहतरीन असर पड़ सकता है और उसकी तरबियत के लिए भी बहुत बड़ा मौसर है ची आपके लिए वाज है कि अमीरमौन आल सलाम ने जब जनाब फ़ातिमा सलाम की शहादत हुई और उनके बाद जब आप दूसरी शादी करना चाहते थे उस वक्त अपने भैया अकील से फरमाया अकील तुम किसी एक बेहतरीन ख़ानदान जो शुजा हो बीमान हो किरदार हो ऐसे ख़ानदान में कोई मेरे लिए बीवी की तलाश करो उस वक्त जनाब अकील ने हज़रत अमुलब्न सलामल का नाम लिया और फ़रमाया कि ये बेहतरीन और शुजा और बागदाम तरीन खातून है कि यही आपके लिए मुनासिब है क्यों इसलिए कि अमीर अमीरमीन चाहते थे कि जिनाब अबलफल अब्बास जैसे शुजा और बाफा बेटा पैदा हो जो आखिर में आने वाले वक्त में इस्लाम के लिए वो मुफीद हो और इस्लाम के काम आए तो फरमाया कि इस दुनिया में आने से पहले दुनिया में आने से पहले उन कलियों की तरबियत के लिए हमें ज़मीना फराहम करना चाहिए इस सिलसिले में पैमर इस्लाम से रिवायत है बहुत तुलानी हदीस है क्या अमीर अल्मीन आलतम से वसीत फ़रमा रहे हैं याली दखलत बेत का फ़खल खफा ही न तजल सुजलहा वसुबलमा बा बदारिका अला अकसा दारिक फ़ाका इजाफ़ालतज़ालिका अखरजाल्ल मबेतिका सब इीन अल्फा लौन मिनलफ़कर वी ही सबी अल्फ़ा लौन बरकत व अनजला अल ही रहमा ऐ अली जब तुम्हारे घर में दुल्हन आए और दाखिल होए तो उस वक्त उसके कदमों से उनके जूते निकाल ले और जूते उतार कर उनके पाऊँ धो ले धोने के बाद उस पानी को अपने घर के दरवाज़े से लेकर घर के आखिरी कोनों तक जो है उस पानी को छिड़काएँ क्यों इसलिए कि इसमें मसलहत क्या है इसमें हकमत क्या है वो फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सत्तर कस्म के फ़ख्र और फाका तुम्हारे घर से खारिज होगा और सत्तर कस्म के बलाओं और वबाएँ जो है तुम्हारे घर से दूर होगा और सत्तर कस्म के रहमतें और बरकतें तुम्हारी तुम्हारे घर में दाखिल होंगे और उसके बाद एक तुलानी हदीस फरमाते हैं कि वो तुलानी हदीस का सिर्फ मैं तर्जुमा आपके लिए अर्ज करता चलूँ बस ये दुल्हन जब घर में आए तो उसके लिए भी कुछ आदाब और यानी रसूमा हैं कि उनका भी इस्लाम ने आपको और हमें तरीक़ा बता दिया है और आपके लिए हमें दर्स दिया है कि किस तरह पह सब से पहली बुनियाद जो आप ख़ानदान की रखना चाहते हैं कि बुनियाद ख़ानदान की जो बुनियाद है वो बेहतरीन और पाक दामन तरीन बीवी है इंसान के लिए अगर पाक दामन बीवी हो तो उस ख़ानदान की उस गुलशन ख़ानदान की दर दीवार जो है उसके लिए बहुत बेहतरीन और पाक दामन तरीन होने की वजह से एक बाकिरदार और बा यानी अखलाक एक ख़ानदान तशकील पाती है लिहाजा फरमाया कि उसके लिए भी कुछ चीज़ों की यानी कुछ चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए क्योंकि मौजू है उस गुलशन ख़ानदान की कलियों की तरबियत साजी या उनके लिए हफाजत साजी कि उसके लिए सबसे पहले अब रहम मादर सबसे पहले अर्ज हुआ कि रहम मादर बहुत ही मौसर चीज़ है उसके लिए कुछ आ, यानी आ, उसूल बताते हैं पैगम्बर इस्लाम या अली आप के लिए ये जो मैं वसीयत कर रहा हूँ ये जो मैं नसीहत कर रहा हूँ इसे आप गौर से सुन लें तो उसके बाद फरमाया कि एक दुल्हन के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ों से आ, उन्हें यानी परहेज़ करने की ज़रूरत है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं अलअल्लो वल क़रबज़ा वाहामिज मिनहल अरबातलशिया फ़काल अली रसोल्ला ए आमिरम्न आप यानी अगर जब घर में दुल्हन आ जाए तो वह चार चीज़ों से वो परहेज़ करें वह चार चीज़ें क्या है वह पहले हफ़्ते में वो चार चीज़ों से परहेज़ करें वो फरमाया कि वह धनिया है और तुर्श सेब है और उसके बाद यानी दूध है और सिरका है कि इन तीन चार चीज़ों से पहले हफ़्ते में इंसान यानी उस दुल्हन को परहेज़ करने की ज़रूरत है तो मौला ने अर्ज़ किया या रसोल्ला उसकी वजह क्या है आखिर इन चार चीज़ों से वो दुल्हन पहले हफ़्ते में क्यों परहेज़ करे तो उस वक्त पैग़म्बर इस्लाम ने फ़रमाया इस जो हमत है वो ये है कि अगर दुल्हन यानी चार चीज़ों से वो फरमाया कि चार चीज़ों के खाने से इनकी बच्चादानी जो है वो ठंडी हो जाती है और वो बांझ हो जाती है अगर ये चार चीज़ें पहले हफ्ते में अगर वो खाए या पिए इसमें से सबसे पहले दूध दूसरा सिरका और तीसरा जो है वो धनिया और चौथा जो है तुर्स सेब यानी खट्टा सेब अगर वो ये खाएँ तो उसका जो नतीजा है वो ये है कि उसकी बच्चेदानी जो है वो उसे ठंडी हो जाएगी और वो बांझ होने का ख़तरा है और घर के कूने में महसूर रहकर रहना जो है बांझ औरत से बेहतर है कि इस यानी हदीस के जेल में इस तरह फरमाया कि बस औरत फिर अमीर अमीरमिन ने सवाल किया या रसूल्ला ये सिरका या तुरशी से क्यों रोका जाए तो फरमाया अगर तुर्शी और सिरका अगर वो हैज है के हालत में अगर वो यानी तनावुल करे अगर वो पिए तो उस सूरत में वो हैज़ कभी बंद नहीं होगा यानी अगर हैज आने के वक्त औकात में अगर वो सिरका या तुरशी इस्तेमाल करे तो उसके लिए वो वोज़ का जो वक्फा है वो तोला होगा और इसी तरह उसके बाद फरमाया कि और पुदीना या धनिया अगर वो खाए तो हैज़ को औरत के पेट में फैलाता है और बच्चा जनने में सख्ती पैदा करता है और खट्टा सेब हैज को रोक देता है जो औरत के लिए बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है उसके बाद फरमाते हैं कि या अली जब तेरे घर में दुल्हन आए और अब उसके साथ अगर तुम मुबाशरत करना चाहो तो उनके लिए भी आदाब हैं कि इंसान इन तमाम आदाब और रसूमात इस्लामी पर अगर वो पाबंद हो जाए तो बाद में आने वाले बच्चे जो है बाद में आने वाली उसकी औलाद जो है वो बेहतरीन और बाईमान औलाद होगी उसके लिए फरमाया कि इस्लाम में मुबाशरत सिर्फ़ जिनसी ख्वाहिशात के लिए नहीं है और सिर्फ़ जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए नहीं बल्कि तलब औलाद के लिए भी है इंसान उस इसके लिए औकात है साआत है और हालात की पाबंदी उस मुसलमान के ऊपर जो दीन मुक़दस इस्लाम के पाबंद हो उनके लिए ज़रूरी है कि उन यानी आदाब और रसूमात इस्लामी का वो पाबंद हो इसलिए फरमाया कि पहला हिस्सा यानी ऊपर के दो अनावीन में हम बयान कर चुके हैं और बकिया हिस्सा मंदरजेल में हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं कि मौला के लिए पैगम्बर इस्लाम ने यह नसीहत फरमाई फरमाया अली महीने की तारीखों का ख़्याल रखें देखिए ये बुनियादी बातें हैं कि इनकी जो है हमें इनका ख्याल रखना ज़रूरी है या अली महीने की तारीखों का ख्याल रखें महीने की पहली तारीख और पंद्रहवीं तारीख़ और आखिरी तारीख को मुशरत करना ममनू है हराम तो नहीं लेकिन ममनू क्यों है क्योंकि इस्लाम का कोई भी हुक्म या कोई भी आहकाम इस्लामी मसलहत और हकमत से खाली नहीं है कि उनकी हकमत बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों ए अली महीने की पहली तारीख दरमियानी तारीख और आखिरी तारीख को अपनी बीवी के पास न जाना उसके पास उससे यानी उससे मुशरत न करना क्योंकि इन अयाम में ठहरा हुआ बच्चा या पागल होता है या जुजाम के बीमार मरीज़ होता है या आज़ा पैदा होता है कि ये तीन बीमारियाँ हैं उस बच्चे में मुमकिन है इस वजह से कि हमने तारीख़ों का ख्याल नहीं रखा औकात का ख्याल नहीं रखा तो उस बच्चे में ये बीमारियाँ पैदा हो जाए उसके बाद फरमाया कि जिन चीज़ों से ममनु क्या या अली ला लात जाम इम्र अत का ज़हर फ़ा इन बेन कुमा वलदुन फ़ी वक्त यकून अहवल व शैतान यफ़रह बिल यफर बिलहवली फ़िलान ए अली बाद जहर यानि जहर के बाद मुबाशरत ममनु क्यों इसलिए कि अगर ज़हर के बाद अगर मुबाशरत करें तो उस नतफ़े से ठहरा हुआ बच्चा जो है वो यानी कैसा होगा अहवल होगा अहवल से मुराद क्या है यानी बेवकूफ़ और नामर्द होगा और जो नामर्द बच्चा होगा उससे शैतान को जो है ज़्यादा खुशी होगी तो इसलिए फरमाया कि वो यानी इंसान को बाद ज़हर यानी जहर के बाद उसके लिए मुबाशरत ममनू है इसी तरह फरमाया कि मुबाशरत करते वक्त यानी बातें करना ममनू है बातें अगर करे उस वक्त अगर बातें करे तो उसका नतीजा क्या है कि फरमाया कि जो हम बिस्तरी करते वक्त अगर बातें करे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा तो फरमाया कि वो क्या होगा लायिन अखरस तो वो बच्चा घूंगा होगा अगर बातें करे और इसी तरह अगर शर्मगाह को देखे उस वक्त जो है अगर जो हमल ठहरा होगा वो बच्चा जो है वो अंधा होगा कि जो शख्स हालत मुबाशरत में शर्मगाह को देखे तो उससे जो उस नुतफे से जो बच्चा ठहरेगा कि वो ना, ना होगा चनाची इसी तरह फरमाया कि इंसान नशे की हालत में ना हो कि अगर नशे की हालत में हो तो वो बच्चा भी अंधा होगा चनाची एक ख़ातून आई पैगम्बर इस्लाम अलैहि के पास खातून कहने लगी कि या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह तबारक व ताली की अदालत पर मैं ईमान नहीं रखती मुझे शक है अल्लाह ताला की अदालत पर कि यानी नौजबिल्ल अल्लाह आदिल नहीं है तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया क्यों ऐसा है तो उन्होंने कहा या रसूल्ला मेरे हमसाए को बेहतरीन बच्चा अता किया है जो सही और सालम है लेकिन मेरे हाँ जो बच्चा हुआ है वो अंदा पैदा हुआ है उस वक्त रसूल ग्राम इस्लाम सलवा कुछ देर के लिए आप बिल्कुल खामोश रहे और उसके बाद फरमाया अच्छा ये बता कि तेरे शोहर तेरे पास आते वक्त क्या उस वक्त वो नशे की हालत में तो नहीं था उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ वो नशे की हालत में था वो शराब पिया हुआ था जब वो मुझसे हम बिस्तरी कर रहा था तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अगर ऐसा है अपने ऊपर लाभ जो क्यों इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जो बच्चा नशे की हालत में मुबाशरत से ठहरता है कि वो बच्चा अंधा होता है या आदाब मुबाशरत में से कि बिस्मिल्लाह है कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह के साथ काम शुरू हो तो अल्लाह तबारक वाली उस बच्चे में उस ओलाद में शैतान को कोई अमल दखल होने नहीं देता और इसी तरह फरमाया जिक्र इलाही उस वक्त मशहूल ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे क्यों इसलिए कि जो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहेगा कि उसका असर उसकी आने वाली औलाद पर होगी और इसी तरह फरमाया माया बीवी आ, यानी आ, अपने सफाई के लिए भी तोलिया अलग करें देखें पैगंबर इस्लाम ने यह तमाम तोलानी हदीस है कि तकरीबन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है मैंने उससे यानी एक एक एनवान अलग अलग करके यहाँ पर आप लोगों की खिदमत में जिक्र किया है तो उस वक्त फरमाया कि तोलिया अलग रखे क्यों इसलिए कि अगर तोलिया अलग रख, ना रखें तो इंसान के दरमियान में मोहब्बत में कमी आ जाएगी और एक ही तोलिया अगर इस्तेमाल करें तो मुमकिन है कि वो जुदाई और तलाक़ का भी सबब बने फरमाया या अली ला तो जाम अम्रकत व मका ख़िर व महल का ख़िरका वला तमसहा बरकातिन वाहिदा ये अली तुम्हारे लिए और अपनी बीवी के लिए अलग अलग तोलिया रखा करें क्यों इसलिए कि अगर एक ही तोले अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पर दुश्मनी पैदा होगी और उसके बाद फरमाया और मुमकिन है कि ये तलाक और जुदाई का भी सबब बने इजतराब की हालत में ना हो क्योंकि अजतराब की हालत में हो तो उस बच्चे पर भी ये असर पड़ता है एक हदीस में भी है और इसमें भी है कि इसतराब की हालत में अगर इंसान हो तो उनके आने वाले बच्चे जो है उनके ननियाल के शक्ल में आते हैं अगर सुकून की हालत में हो और यानी इत्मीनान की हालत में हो तो बच्चे जो है वो माँ बाप की शक्ल में पैदा होंगे और इसी तरह फरमाया आगे के रूहानी तासीर के बारे में इमाम व सलाम ने भी फ़रमाया कल कल रसोल सल नफसी बदही लौअ रजुलश इमरअाउ व फिल बबमस्त अल्लह अकबर यरा हम वयसमाकलाम हम व नफसम व अफला मा अफला अबदा इन का ना ़ुला का ना जानिया ओ का न जारीतान ओ जारीता का ना जानिया अल्लाह अकबर इमाम आलात वसलाम ने यह हदीस भी पैगम्बर इस्लाम से नकल की है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि ए लोगो यानी अपनी बीवी के साथ अगर तुम हम बिस्तरी करो तो उस वक्त ऐसा ना हो कि उस कमरे में कोई बच्चा जो है वो बेदार हो और वो बच्चा अगर ची वो बच्चा अभी यानी मुकल्लफ़ नहीं है या उसे इतना शूर नहीं है कि वो बच्चा जो है इन चीज़ों को नहीं समझता लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा बेदार हो और तुम्हारी सांसें या तुम्हारी आवाज़ें जो है वो सुन रहा हो तो उसका नतीजा क्या होगा उसका नतीजा बहुत बड़ा ख़तरनाक नतीजा है कि अगर उस हालत में अगर तुम्हारा कोई बच्चा ठहर जाए तो वो जानी होगा और अगर बच्ची ठहर जाए तो वो जानिया होगी देखें यानी इन तमाम अहकाम और इन तमाम असूलों का हमें ख्याल रखना होगा वरना हमारी आने वाली औलाद में ये खराबियाँ जो है वो पैदा हो सकती है लिहाजा फरमाया कि ऐसे हालत में कि इंसान को हालत मुबाशरत में इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है और आखिर में फरमाया कि हम फिक्र और हम ख्याल बीवी हो कि हम फिक्र और हम ख्याल अगर बीवी हो यानी एतिकाद और फ़िक्री लिहाज से भी यानी हमसू हो ईमान और अमल के लिहाज से भी बराबर हो और मसावी हो कि एक शख्स ने इमाम हसन मुशतबा सलाम से सवाल किया यब यबना रसोल्ला सलमत कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ रहे हैं तो मैं क्या करूं कि आया उन्हें रिश्ता दूं या ना दूं या कैसे अफरा कैसे अशखाज को कैसे बेटे को मैं रिश्ता दूँ तो उस वक्त इमाम तो वसलाम ने फरमाया क्या फरमाया कि उसकी शादी बाईमान शख़्स के साथ कराओ उस बच्ची की शादी परहेजगार शख्स के साथ कराओ क्यों अगर वो तेरी बेटी से मोहब्बत रखती है मोहब्बत रखता है तो वो उसका अहतराम करेगा अगर तुम्हारी बीवी से यानी तुम्हारी बेटी से अगर उसे इश्क हो तो वो उसका अहतराम करेगा लेकिन अगर उसे तुम्हारी बेटी जो है वो पसंद ना आए तो उस पर कभी जुल्म नहीं करेगा तो अजीज़ा ने मोहतरम कि ये गुलशन ख़ानदान की कलिय की हिफाज़त और उसके लिए ज़मीन साजी है कि हालात मुबाशरत में किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना है और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है कि ये आरइज आप लोगों की खिदत में अर्ज हुआ इन शबारक वाली हम सब को दीन मुकदस इस्लाम के फ़रामीन और अहकाम पर अमल करने की तोफ़ीकता फरमा और हम सब को अपनी औलादों की सही तरबियत करने की तोफ़ी कता फरमा परवरदारा हमारी यही दुआ है कि हम सबकी औलादों को औलाद साल बना दे जो दीन और दुनिया और और दुनिया और आख़रत दोनों के लिए जो काम आए और जो हमारे लिए बाइस मोफरत हो और बाइस रहमत हो वालकम वरहमतुल्लाहि वर्का